चीन की सेना हमारे भारत में घुसकर हम पर हमला करती है तो सवाल सेना पे उठते हैं, हमारी सरकार पे नहीं उठते। ये श्वेता सिंह है जो चिप ढूंढने वाली जो एंकर है, श्वेता सिंह चिप ढूंढने वाली, उसने ढूंढ भी ली थी, उसने सब कुछ बता भी दिया था कि इस तरह से चिप ढूंढी है, उससे ये होगा ये होगा, पता नहीं उसको कौन बता के गया कौन नहीं बता के गया। तो उसने ये कहा, मतलब पहले तो देखिए, अगर 56 इंच के सीने की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 56 इंच का सीना दिखाने की बात हुई थी कि 56 इंच का सीना है, वो बात किसके लिए की गई थी, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए बात हुई कि 56 इंच का सीना दिखाएंगे उनको मोदी और उनको सरहद में घुसने नहीं देंगे। काफ़ी सारे जवान हमारे उनसे मुठभेड़ में भी शहीद हुए हैं पाकिस्तान में, कई बार बहुत बार शहीद हुए हैं। पर जब सर्जिकल स्ट्राइक जैसा झूठा बहाना करा गया था हमारी सरकार ने, जब सर्जिकल जैसा झूठे बहाने पर चुनाव लड़ा था, वो भी एक झूठ ही था बहुत बड़ा, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जो इन्होंने कहा, तब इन्होंने पाकिस्तान के लिए ये कहा था कि देखिए 56 इंच का सीना है, मैंने जाकर वहाँ पर उनके जवान मारे। मोदी जी ने ये कहा था सभा में खड़े होकर कि मैं वहाँ पर गया, हमने वहाँ पर ये मारे। मतलब आप ये देखिए, जब हम अंदर घुसकर, चाहे वो झूठ था या कुछ भी था, आपने जनता के लिए बोला, जब आप अंदर घुसकर वहाँ पर लोगों को शहीद कर आते हैं, तब आपने उनको मारा होता है, आपने सब कुछ किया होता है। पर जब हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, तो आपके गोदी मीडिया के दलाल रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, तो सरकार है ही किस लिए, वो कह रहे सरकार जो है पेट्रोलिंग नहीं करती। हमारे मोदी जी ने ये कहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। हाँ। आत्मनिर्भर, मुझे शायद उन्होंने सेना को भी कह दिया है कि आत्मनिर्भर बने, जो भी आपको करना है, आप शहीद हो तो आपका लेना देना है उसमें, आप मरें तो आपका लेना देना है और हमारा कोई लेना देना है। पर अगर आप मारते हैं किसी को, अगर आप दूसरे के ज़मीन पर जाकर किसी को मारते हैं, या वहाँ के आर्मी मैन शहीद होते हैं तो मरते हैं, तो देखिए उनके लिए उनके शहीद हुए, हमारे लिए हमारे शहीद हुए, ठीक है ना। पर यहाँ पर हमारे यहाँ मुठभेड़ क्या चलती है, हमारी गोदी मीडिया में ये सब चलने लगता है कि देखिए हमने उनके 43 मारे। मतलब उनके 43 क्या, उनके 43,000 मर जाएं, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है हमारे जो 21 जवान शहीद हुए हैं वो क्यों हुए हैं। आप ये कहते थे जब चाइना की बात हुई थी, तो आपने ये कहा था कि हम लाल लाखें दिखा दी हमने चाइना को, और हमने तो डरा कर भगा दिया चाइना को। वो आज हमारे भारत में घुस आए हैं। नेपाल की हम बात करें तो नेपाल छोटा सा देश है, कुछ भी नहीं है, और नेपाल को एक तरीके से हमारी गोदी मीडिया ने, देखिए यही कहते हैं ना, भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, इसी को कहते हैं। गोदी मीडिया ने इस तरह से दिखाया था कि उनका नक्शा बना हुआ था भारत का और बच्चे को हाथ में ले रखा था, वो नेपाल है। तो आप अगर इस तरह से नफरत फैलाएंगे तो वो जो देश है वो आपसे नफरत करने लगेंगे एक ना एक दिन। और उसी के बाद ये हुआ, देखने को मिला ही 15 तारीख को जो है रात को ये पूरी घटना हुई। अगले दिन बताया गया, कहा गया कि 3 जवान जो है शहीद हुए हैं। फिर हालांकि जो है कुछ लोगों ने ट्विटर पर जो है चलाया कि बताया कितने शहीद हुए हैं, जो आंकड़ा आने लगा, लेकिन शाम को 10 बजे के आसपास जो है बताया गया कि 20 जवान शहीद हुए और अब तक जो है नामों का पता नहीं चला है वो कौन लोग हैं। एक भी ट्वीट्स नहीं आया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जो हर किसी के जन्मदिन पर जो है ट्वीट करते हैं कि, तो लेकिन उसको आप कैसे देखते हैं मोदी जी का ट्वीट, मोदी जी का, हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारे मजदूर मरते हैं, हमारे मोदी जी का कभी ट्वीट नहीं आता, हमारे अमित शाह जी का कभी ट्वीट नहीं आता। सुशांत सिंह राजपूत जी की जो डेथ हुई है उसके लिए मुझे भी बहुत बुरा लगा, नो डाउट बहुत बुरा हुआ। उसके थोड़े टाइम बाद ही मोदी जी का ट्वीट आ गया कि मैं उनके फैमिली के साथ हूँ, ये हूँ वो हूँ, एकदम से उन्होंने ट्वीट किया उनके लिए ट्वीट किया, अच्छी बात है। पर जब हमारे जवान शहीद हो रहे होते हैं तो कहाँ होते हैं। पर बात ये होती है कि वहाँ पर भी इनको ये सोचता है कि वो बिहार से है और बिहार इलेक्शन आने वाले हैं, अब उस पर भी इनकी राजनीति स्टार्ट हो गई है कि कौन कहाँ से है उसके ऊपर देखकर मैं ट्वीट करूँगा ताकि जो बिहार के लोग हैं उनकी सहानुभूति मैं हासिल कर सकूँ। पर यहाँ पर जो जवान शहीद हुए उससे तो कोई सहानुभूति हासिल होगी नहीं ना। उसके बाद इनका एक बहाना आएगा थोड़े दिन बाद, अभी ये कहते हैं 43 मरने का कोई, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये बताया है जो चाइना की रिपोर्ट में थोड़ा सा आया है कि हमारे को भी नुकसान पहुँचा है, चाइना को नुकसान पहुंचा है। आपको ये आंकड़े किसने दिए कि वहाँ पे 43 मरे हैं, 43,000 मरे हैं, आपको किसने बताया वहाँ पे 43 मरे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में आपने बोला 600 मार दिए हमने, 500 मार दिए, 700 मार दिए, 6,000 मार दिए, कौन सा आपके पास कौन सा आंकड़ा है कि आपने मारे या नहीं मारे, और आपने कितने भी मारे उससे मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं यहाँ पर उनको, और उसके बाद आप कहते हैं हमारे जो जवान शहीद होते हैं उसके बाद छोटे से ट्वीट आता है किसी भी इनके छोटे से नेता का आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो मुझे लगता है कि इतना वो ये समझते नहीं कि हमारे जवान इस काबिल है कि उनके लिए ट्वीट कर दें। उनको ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर बनो, जो भी मरना है मरो, हमारा तुमसे लेना देना ही नहीं है, वो ये सोचते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब हमारे जवान शहीद हो रहे होते हैं तब हमारी
कोई भी सरकार सामने नहीं आती। काफ़ी सरकारों ने बोला कि हम इतने पैसे दे देंगे, उतने पैसे दे देंगे, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप पैसे दे भी देंगे उनको तो जो शहीद हुआ हुआ इंसान है वो वापस आ जाएगा? उनका जो खानदान है पीछे, वो जो ख़त्म हो गया है, वो वापस आ जाएगा? उसके बाद जवानों की हम बात करें तो एक मूवी में जब ये दिखा दिया जाता है जवान के ऊपर किसी की ये दिखा दिया जाता है तो लोग, लाखों लोग आ जाते हैं ट्विटर पर ट्वीट करने कि हाँ हमारी, हमारे जवानों की बेइज्जती करी। पर जब वो शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब उनको कोई कुछ क्यों नहीं कहता? वेब सीरीज की आप बात कर रहे हैं? वेब सीरीज में, हाँ, SSS2 की जो सीरीज आई है उसमें जवानों की जो वो दिखाई है, एक तरीके से अपमान दिखाया है उनका काफी, तो लोग, लाखों लोगों ने ट्वीट किया कि हमारा अपमान है, अपमान है। तो मुझे लगता है कि जो ये हमारा जो इस वाला भारत जो बन गया है ना, वो हमारा सिर्फ सोशल मीडिया का भारत बन चुका है। आप ट्वीट कर दें, आप कमेंट कर दें, आप सहानुभूति जताते, वो ठीक है, बट आप उनके लिए कुछ करेंगे नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी उनके लिए कुछ करेंगे नहीं। आप देखिए, अगर आपको आत्मनिर्भर बनाना है ना, अगर आपको कहना है तो छूट दीजिए ना हमारी आर्मी को। आप पहले ही उनको छूट नहीं देंगे, उसके बाद जब वो शहीद हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि सेना पे सवाल उठने चाहिए, आपकी गोदी मीडिया कहेंगी, और गोदी मीडिया का जो पीछे से ऑर्डर आता है ना वो ही बोलती है। तो उनके, अगर उनके ये उनके अंदर ये बातें चल रही है कि सेना पे सवाल उठाए जाएंगे, तो उसके दिमाग में ये बात आई कहाँ से? बात तो ये सोचने वाली है। तो हमारे जो जवान, अभी 21 जवान हमारे, सुबह उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि जवान शहीद हो गए हैं, बहुत बुरी बात है पहले तो। और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हो, हमारे गृह मंत्री जी हो, या हमारे रक्षा मंत्री जी हो, वो इस पर ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, हमने हमारे जवान, भले ही हमारे जवान 21 शहीद हुए पर उनके हमने 43 मारे। तो मतलब ये अब हमारे यहाँ हमारे रक्षा मंत्री अब ये बात करने लगे हैं, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री ये बात करने लगे हैं कि हमने इनके उत्ते मारे, हमारे इतने मर गए तो क्या जाता है, अब इतने तो मरेंगे ही, अब वो जवान है, लड़ने जा रहे हैं, मरेंगे, उनके लिए जिंदगियाँ कुछ है ही नहीं। जैसे मजदूरों की ज़िंदगी अभी कुछ नहीं थी, आज जवान हमारे शहीद हो गए, आज उनकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। अभी जो है सोशल मीडिया पर जो है गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, अपना जो सहानुभूति है वो दर्शा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हमको बदला लेना चाहिए, ये इस तरह मांग लगातार हो रही है सरकार से। बदला लेना चाहिए, अगर आपको सही में आत्मनिर्भर बनाना है तो उनको बोलो, छूट दो उनको, बोलो कि जो आप करना चाहते हैं करें। हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा मजबूत है, भारत की आर्मी जैसे हम कहें सारे जो पूरे विश्व है हमारा उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज में आती है, उनका नाम आता है। हमारे जवान जो है इतने जिदार हैं कि अगर आप उनको अनुमति देंगे तो अंदर घुसकर मार सकते हैं वो, पर आप उनको छूट ही नहीं देते हैं, और पर वो शहीद होते हैं तो आप सहानुभूति जताने आ जाते हैं। आपने उनके लिए किया ही क्या है अभी तक? उन्होंने, आप क्या कर देंगे उनको? उनकी बीवियों को बुलाकर, उनकी जो वो होंगी उनको छोटा सा वो लिफाफा बनाकर दे देंगे, बस उतना ही कर सकते हैं आप, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उनको एक मेडल दे देंगे कि वो उनके जवान शहीद हो गए थे, उनके सामने नाटक कर लेंगे, रोने का नाटक कर लेंगे, हमारे जवान शहीद हो गए। बहुत बार ऐसे मोदी जी ने नाटक किए हैं, देखा है हमने। तो आप यही कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, उनको छूट दीजिए। आर्मी जो है ना चाइना की, वो इतनी स्ट्रांग आर्मी है नहीं वैसे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आर्मी है नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि जितनी भारत की स्ट्रांग है उससे तो कम ही होगी। अगर आप उनको अनुमति देते हैं तो देखिए हमारी आर्मी क्या करती है। और जो सोशल मीडिया का गुस्सा है, मुझे लगता है सोशल मीडिया का गुस्सा जो है वो सोशल मीडिया पर ही बनकर रह जाता है। हमारी जो सरकारें हैं वो सोशल मीडिया की सुनती ही कहाँ है, उनको सुनने को मिलता ही कहाँ है। जो हमारी सरकार है वो तो सोशल मीडिया को बंद करने में लगी हुई, जो सच्चाई है उसको हटाने में लगी हुई है। तो मुझे यही लगता है कि जो सब कुछ जो कर सकती है वो सरकार कर सकती है। वो 56 इंच का 16 इंच का बन गया है क्या सीना? कहाँ है आपकी जो लाल आँखें हैं, कहाँ दिखाते हैं आप? आपके जवान शहीद हो जाते हैं तो आप रोते हैं? आप इतने कमजोर हैं, आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आप रोते हैं ये सोचकर कि हमारे जवान शहीद हो गए? आपके जवान शहीद हुए ही क्यों? आपको तो ये सोचना चाहिए कि वो आखिर जो हमारे, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई चाइना के लोगों की कि वो अंदर आकर घुसकर हमारे जवानों को मार रहे हैं। कि अगर आपको सही में लगता है कि हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उसका बदला लेना चाहिए, तो हमारी जो आर्मी है उनको छूट देनी चाहिए, और उनको छूट देकर सबक सिखाना चाहिए चाइना को। आप देखिए, दोस्ती का रिश्ता तो कभी किसी से बना नहीं सके, कभी भी किसी से बना नहीं सके। आपने दूसरे देशों को ये दिखाया कि हमेशा से आपने दिखाया, देखिए अभी मैं थोड़े दिन पहले ये देख रही थी तो उसमें ये दिखा रहे थे कि चाइना में जो ट्रंप है उससे ज़्यादा मोदी के ऊपर डिबेट्स हुई हैं। तो इसका मतलब, जहाँ पे ज़्यादा डिबेट्स होती हैं उसका मतलब हमारी
हम उससे ज़्यादा डरते हैं। तो आपकी गोदी मीडिया तो सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहती है। आपका मतलब ये हो गया कि हम पाकिस्तान से डरते हैं। आपने ये दिखाने की कोशिश की हमारी गोदी मीडिया ने कि हम पाकिस्तान से डरते हैं। उन्होंने ये दिखाया कि देखिए चाइना डरता है इसलिए मोदी दिखाता है, तो हम भी तो पाकिस्तान दिखाते रहते हैं सुबह से शाम तक, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे जो पहला भ्रम है वो हमारा जो गोदी मीडिया है वो फैलाता है, क्योंकि इनसे आज तक दोस्ती की बात कहीं हुई नहीं। दूसरे देशों से दोस्ती बना के रखी होती तो शायद आज ऐसा होता नहीं। आप पहले बड़े बड़े चीज़ें बोलेंगे कि 56 इंच का सीना, लाल आँखें, ये करेंगे। जब उनके अंदर नफरत पैदा हो जाएगी तो हमारे घर में घुसकर, भारत में घुसकर जवानों को वो शहीद कर देंगे। उसके बाद आप सोचेंगे कि भैया ये तो सेना की गलती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर सही में बदले लेने वाली बात है यहाँ पर, तो हमारी सेना को, भारतीय सेना को, जो एक सही में निडर सेना है बहुत ज़्यादा, उनको छूट देनी चाहिए और चाइना को अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए।